बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 10 थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम इस चैप्टर की कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें मेन टॉपिक को समझने में आसानी हो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। द वर्ड थर्म मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन मोशन। जब हीट की मोशन होगी तो उसको थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इंटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी। इसके दो लॉज हैं जिनको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है, और ये इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं, जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं ये एक्सप्लेन करते हैं हीट इंजन को, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पम्प्स। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग एंड स्टेट वेरिएबल्स, जो हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब के दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पे हों और उनका नेट एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो ज़ीरो हो, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम हॉट आयरन को एक कोल्ड वाटर में डाल दें तो थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसके लिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है, और जब ये एक जैसे टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट जो हैं ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। हीट, वन द हॉट एंड कोल्ड बॉडीज आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, समथिंग फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये जो समथिंग है ये हीट है कि जो एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, और उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जो वर्क है ये आप वर्क डन करेंगे ताकि आप हीट प्रोड्यूस करें। इन रबिंग टू बॉडीज टुगेदर वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो आप वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, उस वर्क डन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। इसकी सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं कि अगर आप हाथों को रब करें तो वार्म अप होगा और हीट प्रोड्यूस होगी, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप हैमर से नेल को हिट करते रहें तो नेल जो है वो हॉट हो जाएगी, और पंपिंग एयर इन टायर विद हैंड पम्प तो हैंड जो जो पम्प है वो हीट अप हो जाएगा। फिर हमारे पास एक टर्म है इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क। इन 1798 एन आर्टरी इंजीनियर काउंट रमफर्ड ने ये पॉइंट आउट किया था, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी प्रोड्यूस बाय रबिंग टू बॉडीज टुगेदर। अगर आप दो बॉडीज़ को आपस में रब करें तो आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो हम वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी होगा विच इज़ कन्वर्टेड इन टू हीट। जो मैकेनिकली हम हीट जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट करेंगे हीट एनर्जी में। तो रैमफोर्ड ने ये आइडिया दिया 1845 में, और एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया था जाउल ने। जाउल ने कंडक्ट किए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने एक रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क को इस्टेब्लिश किया। ही शोड दैट वन अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन। अगर आप गिवन एक ख़ास अमाउंट ऑफ वर्क में आप कर लें, वर्क डन कर लें, तो एक जितनी हीट प्रोड्यूस होगी हमेशा। तो जिसके लिए उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया, वर्क एंड क्वांटिटी ऑफ हीट, W इज़ प्रोपोर्शनल टू Q, वर्क एंड क्वांटिटी ऑफ Q इज़ क्वांटिटी ऑफ हीट, W इज़ इक्वल टू JQ, J इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको जो है वो जाउल भी कहते हैं, और यूनिट ऑफ जाउल जो है वो जाउल्स पर कैलोरी है, और इनकी रेशियो, द रेशियो ऑफ वर्क डन इन कैलोरी इन जाउल टू प्रोड्यूस हीट इन कैलोरीज इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इनकी जो रेशियो है कि आप
हीट प्रोड्यूस करें कैलोरी में वर्क डन करके, तो उसको मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट कहते हैं। और वैल्यू जाउल की वैल्यू है 4.18 जाउल पर कैलोरी। जे इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन रिक्वायर्ड प्रोड्यूसिंग अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। और इसका SI यूनिट जो है वो जाउल है। अगर हम जाउल और कैलोरी कैलोरी को भी हम जाउल में लिखें तो जाउल की वैल्यू आएगी 1। इंटरनल एनर्जी, जैसा कि एटम और मॉलिक्यूल से बनते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और सॉलिड में ये बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, लिक्विड में ये मीडियमली बाउंड होते हैं, और गैसेस में ये लूजली बाउंड होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी हम किसी भी मैटर की ऐसे फाइंड आउट करेंगे, द सम ऑफ ट्रांजिशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस गिव द इंटरनल एनर्जी। किसी भी मैटर की जो उसके मॉलिक्यूल्स और उसके एटम्स जो हैं वो अंदर ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है इन सब का सम वो उस मैटर की इंटरनल एनर्जी होती है। फिर हम पढ़ेंगे जी थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक इज़ द ब्रांच ऑफ हीट व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इसके जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो हैं सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री एंड स्टेट वेरिएबल। सिस्टम जो है वो जो फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है और उसके अंदर गैस है, तो इस सिस्टम को सिलेंडर और उसके अंदर इनक्लोज जो गैस है वो हमारा सिस्टम है, और सराउंडिंग जो है एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम इन द यूनिवर्स वो उसका सराउंडिंग हो जाएगी। और बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे उसको उसको बाउंड्री कहते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।